हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 16, आइट्रेटिव सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर सिस्टम। ये भी बिल्कुल आसान है। आइट्रेटिव मीन उसको आइट्रेशंस में आपने उसको सॉल्व करना है, x1 x2 x3 आपने वो फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है जैकोबी मेथड। इसका जनरल जो फ्रेमवर्क है इसका आइट्रेशंस का, उसमें आपने a को सपोज करना है m-n, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है कि मैंने a को m-n जो है यहाँ पे सपोज करना है, ठीक है। जी 10:30 पे, लेकिन मैं उसको आगे लेके जाऊँगा, 10:40 पर। जी स्टूडेंट्स, तो इस आइट्रेटिव स्कीम में आपने ये, एक तो इसकी नीड जो है ये आपने ये जहन में रखना है कि a इज इक्वल m-n, आपके पास जो जनरल स्कीम होती है वो ये होती है a x इज इक्वल बी। तो आपने a को डिनोट किया m-n से, a की जगह जब पुट करेंगे हम m-n x इज इक्वल बी, तो यहां पर आ जाएगा mx-nx इज इक्वल बी, ठीक है। अब माइनस एन एक्स जो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो एम एक्स इज इक्वल एन एक्स प्लस बी। तो ये आपका फार्मूला बन चुका है। एक्स जो है ये के प्लस वन के लिए है और एन के साथ जो एक्स है वो जस्ट के के लिए है। यानी अगर आप यहां पे एक्स की पावर, यानी इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं, तो ये x की पावर 0 के रहेगा, यानी इट मीन इनिशियल वैल्यू हमारे पास ये है 0 0 0, ठीक है। इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका जो आंसर है वो ये फाइंड होगा, यानी फर्स्ट इटरेशन में उसका आंसर x की पावर जो है वो 1 फाइंड है, x की पावर 0 आपके पास इनिशियल वैल्यू है। तो अक्सर क्वेश्चन में हम एक्स नॉट लेते हैं उसका सबस्क्रिप्ट, लेकिन यहाँ पे उसका सुपर स्क्रिप्ट लेंगे हम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, आपको ये बताता चलूं कि m क्या है। m स्टूडेंट्स यहां पे हम ले रहे हैं डायगोनल एंट्रीज, जस्ट डायगोनल एंट्रीज, और n को ले रहे हैं विदाउट डायगोनल। क्लियर हुआ? ये जो मैंने अभी आपको समझाया है कि हमने m एक मैट्रिक्स लेना है डायगोनल और n लेना है विदाउट डायगोनल। ठीक है, लेकिन n को हम किस तरह लेंगे? n हम m में से a को माइनस करेंगे, तो डायग्राम में से ए मैट्रिक्स को माइनस करने से हमारे पास एन मैट्रिक्स आ जाएगी। आप ये हैंडआउट देख सकते हैं, आपके पास ये ए एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व भी कर देंगे।
ए मैट्रिक्स है 10, 1, -1, 1, 15, 1, -1, 1, 20। जबकि आपने एम ले लिया डायगनल वाली एंट्रीज 10, 15, 20 बाकी 0, 0। अब एन जो आपने फाइंड करना है, इस एम में से ए को फाइंड करेंगे, यानी विदाउट डायगनल्स तो होंगी लेकिन वो उनके साइन चेंज हो जाएंगे एन वाली एंट्री। जी स्टूडेंट्स, मैंने जो m और n फाइंड किए हैं, क्या ये क्लियर हो गया आप सबको? चले जी, गुड हो गया। तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जो m माइनस a लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे आप n भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है। ये मैं आपको एक मैट्रिक्स के तरीके से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। इसका एक और मेथड भी होता है कि जो आप जस्ट आप इक्वेशंस के तहत इसको सॉल्व करते हो। जी फहद, कोई बात करनी है आपने? चलिए ठीक है। अच्छा, ये मैं मैट्रिक्स का एक प्रोसेस बता रहा हूँ आपको कि आपने किस तरह वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये देखें, अभी आपके पास m एंट्रीज आई थी 10, 15, 20। यहां पे आपके पास जो है x की पावर k प्लस 1 है, तो आप इसको y डिनोट कर सकते हो या x1 की पावर 1, x2 की पावर 1, x3 की पावर 1, क्योंकि ये हमने इनिशियल से ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यूज आ जाएंगी, तो यहाँ पे x1 की पावर 0, x2 की पावर 0, x3 की पावर 0 प्लस डी की हम लोग। तो क्वेश्चन में हमारे पास एम की वैल्यू क्या अभी हमने फाइंड की है, 0, -1, 1, -1, 0, -1, and 1, -1, 0, एंड बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 18, -12, and 17। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में एक इनिशियल वैल्यू गिवन होती है, अगर ना भी गिवन हो तो आपके पास ये देखिए इनिशियल वैल्यू x नॉट इज इक्वल 0, 0, 0। इसका मतलब है x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, x3 भी 0 है, ठीक है। तो जब आप इनमें 0, 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो आपका ये आंसर जो है ये टोटली 0 हो जाएगा,
और आपके पास आंसर क्या बचेगा, 18 माइनस 12 और 17। यहाँ पे आंसर क्या बचेगा, 10 x1 की पावर 1 और 15 x2 की पावर 1 और 20 x3 की पावर 1। तो यहाँ से x1 का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 18 बाई 10। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो x 1 की पावर 1 इज इक्वल 18 बाई 10, x 2 की पावर 1 इज इक्वल -12 बाई 15, x 3 की पावर 1 इज इक्वल 17 बाई 20। तो स्टूडेंट इसका क्लियर हो गया कि जो हमने एक एट्रेशन करके जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज आई हैं ये हमने कैसे फाइंड की। स्टूडेंट्स मौसम को क्लियर हो गया ये जानिए। अच्छा अब मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो वैल्यूज आई हैं ना आपके पास, ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं दानिए, ये जो वैल्यूज आई हैं आपके पास स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज आई हैं आपके पास इनको आपने डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जब आप सेकंड आइटरेशन में जाओगे तो ये जो हमने जहाँ पे 0 0 पुट किया था इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है, क्वेश्चन में उन्होंने जितना कहा हो आप उतना करेंगे। क्वेश्चन में उन्होंने अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये माइंड में रखना है उन्होंने यहाँ पे 6 आइटरेशन कहा है, ठीक है। और ये हम जैकोबी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जैकोबी मेथड 6 आइट्रेशंस का, यानी आपने x की पावर 6 तक जाना है, 6 आइट्रेशन तक जाना है। ये अभी हमने x की पावर 1 वाली फाइंड की है, फिर यहां पे x 2 आ जाएगा पावर में, जब आप x 1 की वैल्यू यहां पे पुट करोगे यहां पे x 2 आ जाएगा, फिर वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे x3 आ जाएगा। तो आपने x की पावर 6 तक जाना है, 6 आइट्रेशन करनी है। जी जी ये इनिशियल वैल्यूज ने गिवन दी है, अगर ना भी दी हो तो आपने अंडरस्टूड है कि उसको स्टार्ट पे 0 ही लेना है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर वो हमें आइट्रेशंस नहीं बताता कि आपने कितनी आइट्रेशंस फाइंड करनी है तो फिर कहाँ पे स्टॉप करना है इस क्वेश्चन को, तो फिर आपने आफ्टर एवरी आइट्रेशंस जो हैं आपके ये देखिए आंसर आते जा रहे हैं। अगर तो उसने आपको 3 डेसिमल प्लेस तक कहा है कि आप इसका आंसर जो है 3 डेसिमल प्लेस तक इसका फाइंड करें, तो आप ये देख रहे हैं कि ये 4 के बाद 4 आइट्रेशन के बाद जो 5th आइट्रेशन है इसमें 3 नंबर्स एंड इसमें जो 3 नंबर्स हैं दोनों सेम आ गए हैं, ठीक है। और 4 और 5 इसमें भी 3 3 डेसिमल नंबर सेम है, और 4 और इसमें भी आपके 3 3 डेसिमल नंबर सेम है, तो ये आपका आंसर होगा 5 वाला, अगर वो आपको एड्रेशन नहीं बताता और वो कहता है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करें, ठीक है। अगर वो 4 तक कहता है तो ये जो डिजिट के बाद 4 डिजिट आ रहे हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, तो ये 6 में जब डिजिट पॉइंट के बाद 4 डेसिमल नंबर्स आपके आ जाएंगे 4 तक, तो
वहाँ पे आपने स्टॉप करना होगा, यहाँ पे नहीं आ रहे, क्लियर? एन को ज़ीरो नहीं लेना हमने, आपने इनिशियल जो नंबर है ना उसको ज़ीरो लेना है आपने। फर्स्ट ज़ीरो ही रह जाएगा, वो ज़ीरो ही हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई करने से तो ज़ीरो ही होगा ना, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको मेथड बताया, ये तो एक मैट्रिक्स वाइज हमने इसको चलते करते जाना है। एक और मेथड है जैकोबी मेथड का, कि आप इक्वेशंस बनाएं, आप इसको x1, x2, x3 को आइसोलेट करें, ये मेथड है। x1 को हमने सेपरेट कर लिया, x2 को सेपरेट कर लिया, x3 को सेपरेट कर लिया, और ये डायगोनल डोमिनेंट कहलाता है इसे, कि आपने जस्ट डायगोनल वाले एंट्रीज जो हैं आपने इनको ये आइसोलेट करना है, x1, x2, x3। समझ आ रही है स्टूडेंट्स को? ये आपके पास एक सिस्टम है, क्वेश्चन है, समझे? वही स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, ये क्वेश्चन लिया मैंने, नहीं 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 वो मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि आप वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो जो अभी मेथड बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मर्जी, जैसे आपका दिल करे। अब ये देखो कि ये जो जैकोबी मेथड होता है, और इसके बाद एक और मेथड आएगा, गॉस सीडल मेथड, ठीक है, वो दोनों मेथड जो हैं ये डायगोनल डोमिनेंट है, डायगोनली डोमिनेंट है। डोमिनेंट से मुराद है कि आपने जो डायगोनल वाला नंबर होगा ना उससे आपने पूरी इक्वेशंस को डिवाइड करना है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप डायगोनल एंट्रीज को ही एक तरफ रखें, बाकी दोनों को आप दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दें, क्लियर हुआ? शिफ्ट करने के बाद आपने जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको आपने डिवाइड करना है दूसरी तरफ, लाइक दैट। ये आपके पास एक फर्दर आपके पास ये काम होगा, ठीक है। फिर एक्स टू भी आपने ऐसे फाइंड करना है कि बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना है, डायगोनल वाले को वहीं रखना है और 15 को डिवाइड कर लेना है, और थर्ड वाले को भी एज इट इज़ करना है। अब ये आपके पास जो हैं ये यूं समझिए कि अब हमने इस पे काम करना है, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री में, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स टू और एक्स थ्री, एक्स टू एक्स थ्री जो इनिशियल वैल्यू गिवन है इसमें ये सेकेंड एक्स टू है और ये एक्स थ्री है, इनकी वैल्यूज आपने पुट कर दी यहाँ पे, तो आपको एक्स वन फाइंड हो जाएगा जो कि ये आ गया, ये भी वही आंसर आ रहे हैं, x1, x2, x3, आपने इधर एक इनिशियल वैल्यू अप्लाई की, क्लियर हो गया? ये आपकी एक आइटरेशन हो गई है, इसके बाद आपने इन वैल्यूज को लेके चलना है और इसी ये जो आपने इक्वेशंस बनाई है इसमें आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, 1.80 माइनस 0.8 और 0.85, ठीक है जी 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 जी, जो आपने अभी आइटरेशन से एक सॉल्यूशन फाइंड किया, गुड, हो गया, ये क्लियर हो गया?
इसी तरह अब जहाँ जहाँ पे आपने ज़ीरो लिया था ना, एक्स वन ज़ीरो, एक्स टू ज़ीरो, एक्स थ्री ज़ीरो, अब उनकी जगह पे ये आपने वैल्यूज लेनी है, एक्स वन इज इक्वल टू दिस वन एंड एक्स टू इज इक्वल टू दिस वन एंड एक्स थ्री इज इक्वल टू दिस वन, तो फिर आपने इनके आंसर फाइंड करने हैं। क्या हुआ जी स्टूडेंट्स? जी दानिया, आप क्या कह रहे हो? ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है और मोस्टली ये मेथड यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको मैट्रिक्स से भी सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि ऊपर वाला मैंने ये मेथड से सॉल्व करके दिखाया। क्लियर है दोनों स्टूडेंट्स को? जी दानिया आपको? चलें अब ये देखें कि मैंने आपको एक कंपैरिजन बताना है जैकोबी मेथड का और गॉस सीडल मेथड का। जैकोबी मेथड तो आपको समझ आ गई है, अब गॉस सीडल मेथड जो है ये भी आपने इन इसकी इक्वेशंस भी आपने इसी तरह बनानी है, उसकी इक्वेशंस भी इसी तरह बनानी है। डिफरेंस ये है कि जो आपने एक्स वन इस फर्स्ट से फाइंड कर लिया है एक्स वन, वो आपने एक्स टू में यहाँ पे एक्स वन आपने वो वैल्यू पुट करनी होगी जो यहाँ से फाइंड की है, ये डिफरेंस है। क्लियर हुआ? मैं अब इसी क्वेश्चन को आपको गॉस सीडल से करके दिखाता हूँ। x1 है हमारे पास 18 माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय 10 और x2 है आपके पास माइनस 12 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 डिवाइडेड बाय 15 एंड एक्स थ्री है आपके पास 17 प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय 20। स्टूडेंट्स अब मैं गॉस सीडल मेथड से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्लियर है? जस्ट 5 मिनट्स का आपका लेक्चर रिमेनिंग रह गया, मैं इसको गॉस सीडल से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। जी दानिया, ओके अच्छा, आपके पास इनिशियल वैल्यूज क्या हैं? वो ये हैं 0 0 0, ठीक है? इट मीन कि एक्स वन आपके पास है 0, एक्स टू आपके पास है 0 और एक्स थ्री आपके पास है 0। ये तीनों वैल्यूज में से एक्स टू और एक्स थ्री में अप्लाई यहाँ पे किया तो मेरे पास आ गया 118/10 विच इज इक्वल टू 1.8, ठीक है? अब मैं इस एक्स वन को मैं इस एक्स टू फाइंड करने के लिए यहाँ पे पुट कर दिया, एक्स थ्री हमारा यही हम यूज करेंगे एक्स थ्री, क्योंकि एक्स थ्री अभी हमने फाइंड नहीं किया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जब यूज करूँगा माइनस 12 माइनस 1.8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 15 तो इसका एक आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इसका जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आपने वो वाला और एक्स वन वाला, एक्स वन यहाँ पे पुट करना है आपने और ये एक्स टू आपने यहाँ पे पुट करना है। जी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? सेम प्रोसेस उसी तरह, लेकिन इसमें जस्ट वैल्यूज आपने जो पुट करनी है उनका ख्याल करना है कि आपने वैल्यूज किस तरह पुट करनी है। अपडेटेड वैल्यू एक्स वन की वैल्यू एक्स टू में, एक्स वन एक्स टू की वैल्यू एक्स थ्री में पुट करनी है, लेकिन गॉस जेकोबी मेथड में ऐसा नहीं है, वो आपने सब में एक ही वैल्यूज जो इनिशियल है वो पुट करनी होती है। क्लियर हुआ जी दोनों स्टूडेंट्स को? क्लियर हो गया। चलिए जी, ये था हमारा मेथड जो है आइट्रेटिव सॉल्यूशंस के मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इनमें से मस्ट है कि आपको इन दोनों मेथड में से एक क्वेश्चन लाजमी आपको आएगा सॉल्व करने के लिए। आप इस में भी आ सकते लोगों से, क्योंकि आप से जो फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा ना, जो फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा मे बी उसमें कहें कि आप सॉल्व करें आप क्वेश्चन को, या मेथड पूछें आपको मेथड किस तरह फाइंड करना है, आपने किस तरह आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, राइट? तो इससे रेलिवेंट जो एग्जांपल्स हैं वो आपने सॉल्व कर लेनी है। तो आज तो मैंने ये लेक्चर भी स्टार्ट करवाना था लेकिन टाइम अब जिस तरह हम सेकंड एट्रेशन में जाएंगे, ठीक है, उसमें एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यू वो फाइंड करेंगे जो हमने वो यहाँ पे पुट करेंगे जो फाइंड की हुई है। ये जो फाइंड की है अभी तीन वैल्यूज फाइंड की है, उनमें से जब आप ये एक एक्स वन का आंसर आ गया सेकंड एट्रेशन में, फिर आप जब सेकंड एक्स टू पे जाओगे तो उसमें जो अभी आपने आंसर फाइंड किया है वो यहां पे पुट करोगे। अभी 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 आपने वेरी नेक्स्ट टू आपने आंसर एक फाइंड किया एक्स वन, वो इसमें पुट करोगे, राइट? फिर एक्स थ्री जो है जो आपने पहले तीन वैल्यूज फाइंड किए वो ऊपर वाले पुट करोगे, फिर एक्स वन एक्स टू वो पुट करोगे जो आपने अर्ली जो आपने टू एक्स वन एक्स टू फाइंड किए। ये गॉस सीडल मेथड है, ठीक है, और गॉस जेकोबी मेथड में सब में एक ही वैल्यूज पुट करनी है एक ही इटरेशन, उसमें कोई आप रिप्लेस नहीं करते, कोई आप डेट नहीं करते। तो क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन आज हमने लेक्चर जो है वो 16 तक पढ़ा मेरे ख्याल में, 17 भी इजी है लेकिन चलो उसको नेक्स्ट टाइम हम रख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।